दुकानदार बस दुकान बंद ही करने वाला था। शाम का समय हो चला था, लेकिन तभी देखता है पास में आकर एक कुत्ता खड़ा हो जाता है। उस कुत्ते के गले में एक टोकरी थी, टोकरी में कुछ रुपए और एक पर्ची। दुकानदार पर्ची को देखता है और जो सामान उसमें लिखा था वह चुपचाप कुत्ते के गले में पुनः टोकरी सहित डाल देता है। लेकिन एक हैरानी उत्पन्न होती है उस दुकानदार के अंदर कि जिसका कुत्ता इतना समझदार हो, मालिक तो यकीनन बहुत समझदार होगा, क्यों ना एक बार मालिक को भी देखा जाए। दुकानदार दुकान को बंद करता है और उस कुत्ते के पीछे पीछे चल देता है। कुत्ता बस स्टॉप पर पहुंचता है और बस में चढ़ते ही कंडक्टर को पूंछ हिलाकर टिकट काटने को कहता है। कंडक्टर पैसे टोकरी से लेकर टिकट काट देता है और टिकट पुनः उसी टोकरी में रख देता है। बस कुछ घंटे चलती हैं और एक स्टॉप पर आकर कुत्ता पुनः पूंछ हिलाकर उतरने का इशारा करता है। बड़ा होशियार है कुत्ता, पुनः दुकानदार के मन में यह बात आई। दुकानदार भी उस कुत्ते के साथ उतर जाता है और कुत्ता एक घर के सामने है। बेल बजाता है और अंदर से मालिक निकलता है और आते ही दो चार छड़ियां दे पटक उस कुत्ते के ऊपर दे मारता है। अब दुकान का मालिक बड़ा हैरान, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आपका कुत्ता तो बड़ा समझदार है और आपके कितने सही तरीके से कार्य करता है, फिर यह क्यों? मालिक कहता है, कुत्ते का मालिक, हरामी चाबी साथ में नहीं ले जा सकता था, सारी नींद खराब कर दी। दोस्तों जिंदगी भी ऐसी ही है, जीवन भी आपका ऐसे ही, हम सबका, लोगों की हमसे अपेक्षाएं अनंत हैं और थोड़ी सी गलती होने पर हमारी सब कुछ अच्छाइयाँ भुला दी जाती हैं और जीवन का सिद्धांत भी यही है। तो इसलिए जो भी करिए बढ़िया करिए, बेहतर करिए।